Hi, welcome to FSC Entertainment. Shavai Goat Farm pe hoon main with Mohammed Bhai and my entire family is here. Assalamu alaikum Mohammed Bhai. Walaikum assalam. Mohammed Bhai 2019 20 21 22 23 में भी ये बकरा आई थिंक पांचवा साल है ना गुल्लू भाई, पांचवा साल है हमने दोबारा शवाई गोट फार्म से परचेज किया. और मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच. क्यों हम यहाँ से लेते हैं ये तो फात भाई आपको ही मालूम है क्यों लेते हो. गुल्लू भाई ना वीडियो में मैं बताता हूँ भाई, हम जब शवाई पे आते हैं शवाई के अलावा कोई और बकरे पसंद ही नहीं आते. बिक्री के बकरे हैं, बिक्री के बकरे. शुक्रिया कम से कम आप अपने हमसे बकरे लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फात भाई पूरी पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, बाकी बकरा मुझसे लेते हैं. क्योंकि एक बार शवाई के बकरे नज़र में बैठ गए तो कहीं पसंद ही नहीं आता. और मोहम्मद भाई हमेशा से ये बोलते हैं दूसरे फार्म पे जाओ फिर मेरे फार्म पे आओ. नहीं नहीं तो आपको समझेगा अगर आप मेरे फार्म पे पहले आ जाओगे दूसरे फार्म पे जाओगे तो बेचारे लोग के बकरे समझ में नहीं आएंगे. बिक्री के बकरे की बात कर रहे हैं, सही भलाई भलाई की नहीं. मोहम्मद भाई बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग बोलेंगे भाई कितने में लिया, भाई कुर्बानी का जानवर है, हम रेट नहीं बताएंगे. नहीं तो रेट नहीं बताएंगे, बाकी बकरा तो दिख रहा है. बकरा देख लो भाई, ये बकरा है गुजरी बकरा है, कम से कम 42 इंच की हाइट है लगभग लगभग जी. मोहम्मद भाई बकरे की खास बात क्या, नीचे खड़े ये बकरा कलर पैटर्न का बहुत अच्छा है और लेंथ और उसकी सींग सिंगार देख लो, इतनी बड़ी सींग का गुजरी बकरा जल्दी मिलता नहीं है और कलर बहुत खूबसूरत है बकरे का. कलर अच्छा है, हाँ, पोस्चर बहुत अच्छा हाँ, है. हाँ, बकरा था पर्सनल कुर्बानी का, हाँ हाँ उसी वाला. हाँ बस उसी से मिलता जुलता हुआ है. हाँ सींग सिंगार तो उसी से मिलती जुलती है, चेहरा भी कम ज़्यादा मिलता है, बस वो पूरा वाइट था और गुजरी में ये कलर जल्दी मिलते नहीं है बकरे. क्या है अभी रुखसार भाई भी बता रहे थे, रुखसार भाई आओ आओ ना, रुखसार भाई, रुखसार भाई अस्सलाम वालेकुम. ये बकरा कुछ रुखसार भाई के कुछ और दोस्त लोग भी है वो पसंद किए थे, बाकी उस टाइम मुझे बकरा नहीं बेचना था और ये तो जिसके नसीब का रहता है उसी के वहाँ जाता है. वो शायद अगर उनके नसीब का होता तो दिल दिमाग मेरा बदल गया होता, दे देता. ये एक्चुअली लेने का इरादा था 2 महीना पहले जब हम आए थे, मैंने इसकी रील्स बना के डाला था और इतनी व्यूज़ आ रही थी, बोला यार ये मोहम्मद भाई को लोग परेशान करेंगे, बकरा निकल जाएगा. मैंने इसकी वीडियो डिलीट कर डाला, बोला पहले हम लोग खरीद लेते हैं फिर बाद में इसकी वीडियो डालेंगे. क्योंकि ये डेफिनेटली बिकी जाता और मोहम्मद भाई से भी बात हुई थी तो मोहम्मद भाई ने रोक के रखा था. हाँ नहीं नहीं वो तो आपके नसीब का था. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई. मोहम्मद भाई बकरा ईद तक के जब हम लेके जाएंगे 10 दिन पहले और गुंजाइश है वजन बढ़ने की. हाँ हाँ इंशाल्लाह बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी गर्म बहुत हो रही है. अगर इनको एक हफ्ता भी अगर मौसम सही मिल गया तो ये 5-7 किलो कैसे बढ़ जाएंगे पता भी नहीं चलता. लगभग 115-120 हाँ 115 किलो के ऊपर ही है और ये जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से कम से कम 120-122 किलो पे ही जाएगा अल्लाह ने चाहा. इंशाल्लाह मोहम्मद भाई आपके पूरे बाड़े में देखो हमारा बकरा है बोल के नहीं, वाकई में सबसे कलर बहुत अच्छा बकरे का है, बहुत कलर पैटर्न सींग सिंगार का, चेहरे का नर चेहरे का बकरा है जी. चलिए अगर आप लोगों को खसी बकरे पसंद है जैसे यहाँ पे खुले मोहम्मद यहाँ पे आओ, ये सारी बिक्री के जानवर हैं हमारे खुल गए. हाँ हाँ ये नहीं ये बिके हुए हैं, ये बिके हुए. हाँ अभी ये बकरा कम से कम 1 फुट अरे ये 130 अरे इसकी हाइट ना 145 की हाइट है. माशाल्लाह माशाल्लाह 40 एक अच्छा हाँ 40 से प्लस है उसकी हाइट, मतलब इसकी हाइट बोले तो बहुत ज़्यादा है ये मेरे हिसाब से ना 45 से कम हाइट नहीं होगी उसकी इस बकरे की. हाँ इसके लिए हाँ बाहर निकाल के देखो ना यहाँ आएगा तुम्हारे निकाल लिया इसको बाहर निकाल हाँ भाई वो बिका हुआ है. हाँ पोटले पोटले ले बेटा. ये बकरा कुछ आया था 103 किलो पे बकरा आया था, अभी कुछ एक तो घोड़ा कम से कम 132 किलो का बकरा है. मायने नहीं रखता. हाँ एक अभी बीच में वजन किए थे तो 132-133 किलो का बकरा था. बहुत हाइट साइज भी देखो ना इसे, ये साइज देखो ना, शेप देखो ना बकरे का. ये हमारे एक दोस्त हैं बंटी भाई करके, उनका बकरा है, कुरला रहते हैं, बॉम्बे के हैं, कुरले में रहते हैं. चलाइए थोड़ा चलाइए वो
हाइट वाइट बहुत अच्छी है। हाल ही में बिकाई है? नहीं नहीं, ये कुर्ला में ही वो लिए थे, मैं ले रहा था तो मुझसे बोले मोहम्मद भाई मैं लूंगा और आपके वहीं पालूंगा, तो फिर वो खरीद लिए थे। ये सब कुर्बानी के लिए? हाँ हाँ, कुर्बानी का है बंटी भाई का। इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक बंटी हाँ। भाई पूरे फार्म पे सबसे बेस्ट बकरा है, बड़ा बकरा है, बहुत बड़ा बकरा, सबसे बड़ा बकरा। मैं ये कह रहा था हमारा सबसे खूबसूरत है ये भी। हाँ हाँ, अच्छा बकरा है, बहुत अच्छा बकरा। नहीं घोड़ा है, बहुत दुबला हो गया था मगर माशाल्लाह सुधर गया, वो 90-90 किलो पे आ गया था बकरा। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट सम गोट्स अवेलेबल मोहम्मद भाई, यहाँ पर है कुछ बकरे अवेलेबल? हाँ ये सब बकरे हैं, ये भी मेरे ख्याल से 135 का लग रहा है मेरे को। हाँ ये बिका हुआ है, मैं काटा नहीं किया हूँ, ये बकरा बिका हुआ है, वो बकरा देने का है जो आगे है ना दोनों। हाँ और ये बकरा भी, ये भी बिका हुआ है, देखो इसको, इसकी खूबसूरती देखो, उसको बकरे को घुमाओ ना उधर, ये देखो ये बकरा भी बिका हुआ है। बेचने का वो बताइए ना, बेचने के अच्छे जानवर तो बिकी गए? नहीं नहीं है, एक से एक जानवर है, पसंद आ रहे। ये देखो ये भी बकरा है अभी जो बैठा हुआ है। नहीं नहीं, ये गुजरी है ना, ये काला सफेद, हाँ ये है, ये भी और वो गुजरी है, वो भी गुजरी, देखो ये आ रहा है ना सामने, ये गुजरी भी है, ये हाँ हाँ ये भी गुजरी है, हाँ ये बिका हुआ है, ये है, ये भी है, देखो ये बकरा आ रहा है, वो भी है, देखो उसकी तैयारी देखो। और ये भी क्या? हाँ ये भी तो घोड़े, ये भी आई थिंक, ये भी आराम से आई थिंक 140 के करीब है। हाँ वो 140 किलो का बकरा है, 140 के आसपास के। हाँ हाँ, उसका काटा किए थे 140। देखिए भाई ये क्वालिटी है शवाई गोट फार्म पे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं भी घूमो बॉम्बे के कोई भी फार्म पे, यहाँ पे आइए, यू वुड लव द गोट्स, मज़ा आएगा। थोड़ा दूर खड़े हुए, थोड़ा दूर। अभी इसकी तैयारी देखो ना आप, बगली उगली जैसे देखते हैं ना ये बकरा, इसको जरा बाहर निकालो। जलाल भाई ये कितने किलो पे होगा? 115-116 किलो पे बकरा होगा ये बकरा, तो बिक बेच दियो, बाकी इसकी तैयारी देखो खाली, इसको चारों तरफ से बकरा देखो, ये कैसा बकरा है, ये बकरा देने का है, ये बहुत अच्छा बकरा है, हाँ एकदम नई उम्र का बकरा है, तो हैदराबादी सो जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत ताकतवर बकरा है वो, 120-125 के करीब लग रहा है माशाल्लाह। हाँ पल्टी का बकरा है वो, इसको लो, इसको अच्छा लो। इसमें कोई बहुत से लोग हैं हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं, अगले साल के लिए पल्टी 40 किलो के बकरे, पल्टी के बकरे इधर हैं, इधर एक से एक बकरे हैं पल्टी करने के लिए। अब इसमें देखेंगे ना, ये सब नई उम्र के 4 दांत 2 दांत के बकरे, इसमें कोई सा भी बकरा पल्टी करेंगे ना, सब A1 क्लास के बकरे हैं, ये 2-4 बकरे तो आप बता दो दाम, अप्रोक्सीमेट रेंज बता दो, क्या रेंज से कम से इसके अंदर जो मतलब बकरे हैं 100 किलो पार बकरे हैं करीब करीब, वो कैसे भी करके 80,000 के नीचे के बकरे नहीं है, 100 किलो पार हैं। हाँ 100 किलो पार हैं, मैं बताता हूँ ना आपको। नहीं नहीं मतलब 100 है, है ये अभी इधर देखो, ये 4 दांत बकरा है, ये 4 दांत बकरा है, 100 किलो पार, वो जो खड़े हुए ना वो नहीं लग रहे, ये सब बहुत नहीं, हाँ नहीं सब नहीं है, बाकी अभी इसमें जो बकरे हैं जो इनकी क्वालिटी है बहुत अच्छी है। 140-150 का कौन सा पोटेंशियल लगता है इसमें दुकाने लायक? हाँ ये बकरा, ये बकरा बनेगा, और दूसरा इसके दांत देखो, 4 दांत है, 2 दांत था अभी, चौथा तीसरा किया होगा। देखो ये बकरा, ये पल्टी का बहुत अच्छा बकरा है, वो अजमेरा, हाँ अजमेरा बहुत अच्छा बकरा तैयार होगा। और मोहम्मद भाई क्या जा रहा है? जाऊ देखो ना, मैं देखो गेहूं भी है, गेहूं है, जौ है, चना है, मक्का मिक्स फीड है, इधर लेके आओ ना, इधर देखो दांत, देखो दांत बताइए, देखो अभी तक 2 दांत पे है, चौथा दांत कर रहा है, चौथा भी कर रहा है, 100+ है, 100+ है। अभी ये बकरे को जरा बाहर लाओ ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बाहर लेके आओ तो देखो। मौदो यहाँ से लेके आपके पास पलाई पे रख सकते हैं ना लोग? हाँ रख सकते हैं। और एक बकरा और था, मेवाती भी लेके आओ बाहर, ये क्या बकरे ना नहीं समझ में आएंगे, बड़े बकरे बहुत अच्छे वजन पे हैं मगर अभी ऐसे समझ में नहीं आएंगे, ये देखिए, देखो बाहर समझ में आ रहा है, एक करा सकते हैं वजन आप इसका, कितना होगा? 95 होगा? नहीं ये तो अभी वजन किए थे कुछ 100 था ना, 103 था, अभी हो सकता है गर्मी से 1-2 किलो आगे पीछे होगा, 100 तो होगा ही, जो भी है नहीं करा, ले जाओ देखो ये भी बताइए, ये सब नई उम्र के बकरे, अभी ये देखो तीसरा दांत किया है, ये कुछ 6 दांत पे आया होगा, अभी 6ठा दांत किया है, 4 दांत है, 4 दांत पे, 4
पालने वाले भी बकरे हैं हम, ठीक है, समय की किल्लत है, वी आर नॉट मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस, विल कम बैक अगेन इंशाल्लाह। वो बकरा भी निकालो, ये वाला वो बड़ी सिंह का बकरा है ना अजमेरा, देखो वो भी चार दांत का बकरा होगा। अभी ये बच्चा, ये तो आता है, हाँ ये सब वो जो है ना फैसल करके जो है ना लिए हैं, ये बकरा भी और ये गुजरी जो अपन निकाले थे ना, ये भी पलटी के लिए। इसमें बकरे बहुत है, अभी वो देखो दो दांत की है बकरा बैठा है ना, पूरी सीना अपना फरहान भाई का होता था वैसी है। अभी एक बकरा और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो शायद अभी दो दांत किया है, ये देखो ये है ना अब ब्लैक कलर का बकरा खड़ा हुआ, अभी अदंत पीछे, हाँ हाँ दो दांत पे बकरा है अभी वो। वो लेके आओ, वो चॉकलेटी मंडी वाला लाओ। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है, ये सब नई उम्र के था। हाँ दो दांत, ये तो अभी चार दांत हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बीच में हम लोग देखे थे तो बहुत अच्छी तैयारी की, अभी सब कम उम्र के बकरे हैं। इसके दांत जरा देखूँ, एक मिनट, ये देखो चार दांत, अभी चौथा लगाया, देखो देखो चौथा दांत लगाया, छोड़ो उसका देखिए, दो दांत पे अदंत है, अभी अदंत है, दांत नहीं किया। हाँ हाँ अदंत है वो, ये सब बड़ी नस्ल के बकरे हैं, जवान है अभी, दांत तो किया भी नहीं है अभी, तो पंच मारा हूँ मैं दो महीना पहले। कौन इसको लो, ये भी अदंत है, ये बकरा टहल रहा है ना, वो बीच में टहल रहा है, वो भी अदंत बकरा है। कौन सा? वो भी तो चार दांत या छह दांत है। नहीं नहीं वो पूरे दांत किया है, उसमें एक बकरा है ना अदंत है, वो देखो उधर वो एकदम लास्ट में बकरा है ना जो ये लाइन में लास्ट में, ओके अदंत है अभी, ये भी अदंत है। कितना भी होगा तो 85 केजी पे होगा मालूम, ये कितने का मिल जाएगा दो? किसको? तुमको पालनी? नहीं नहीं हमारे को नहीं, हमारी ऑडियंस, ये तो कल पालने के लिए लेंगे तो अगले साल तक देंगे उनको खाउटी। हाँ अगले साल तक का रेट रहेगा। कितना पोटेंशियल लग रहा है आपके पास अकेला कोई तो? कम से कम ये 1.25 लाख रुपए में अगले साल। नहीं कितना पोटेंशियल यानी कितने वजन तक के जा सकता है? कम से कम ये जाएगा 130-135 किलो पे इंशाल्लाह, ये बकरा जाएगा क्योंकि बच्चा है अभी, अदंत बच्चा है। इधर इधर लेके आओ तो, दोनों कान क्या पकड़ते हो यार बकरों के? हाँ छोड़ दो अभी, अब देखो अभी यही, हम लोग अलग कहीं जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे यार बकरा क्या है यार, अदंत बकरा है, क्या हाइट है। अभी ये अजमेरा भी ना बहुत अच्छा है, मगर अभी कोई उम्र नहीं है ना, चौथा दांत अभी किया है बकरे ने। ये भी कम से कम खाने वाली चीज है। हाँ ये कम से कम ये भी 90 किलो प्लस ही होगा वो बकरा। नहीं नहीं होगा, टाइट है ना एकदम, तीनों है 95 के करीब। हाँ ये तो 106 किलो वजन किया हुआ है मेरा, 106-107 किलो ये। हाँ ठीक है, हाइट में हालांकि कम है ये, नहीं हाइट नहीं कम है ये बकरे, हाइट लेंगे ये तैयारी है ना इसलिए ऐसे लग रहे हैं, और अभी कम उम्र है तो अगले साल आप देखो इनकी हाइट कितनी अच्छी होगी। वो लेके आओ, वो लेके आओ, वो बकरा लेके आओ व्हाइट वाला। हाँ हाँ ये बकरा फात भाई बेचने का है, देख लो पूरा गुलाबी बकरा है। कितने दांतों पर है वो? ये अभी शायद थे कि छः दांत होगा या तो आठवां दांत किया होगा। किस तरफ लेके आओ, कुछ 106 किलो का बकरा है ये और पूरा गुलाबी है, सींग देखो पूरी मार्बल है, चारों खुर मार्बल है। हाँ बहुत, हाँ 42-41 तो है उसकी हाइट, और खूबसूरती देख लो, बिला दाग बकरा है, बिला दाग बकरा है। स्पॉटलेस है बकरा, बिक्री के लिए अवेलेबल है। हाँ इसमें है ये जैसे मक्कीचीना है, ये अवेलेबल है? नहीं नहीं ये सब ये सारे देख चुके। हाँ हाँ ये सब बिके हुए हैं। ठीक है चलिए, अंधेरा हो रहा है, दिन में दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, एंड विल मेक मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच मोहम्मद, थैंक यू।